तो दोस्तों, जब हम कहीं पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम ये जरूर एंश्योर करते हैं कि वहां का खाना हाइजीन है कि नहीं, या फिर वहां का होटल अच्छा है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जहां पे वो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर है। हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने गांव में एक जगह पे ये कैप फिट करवाया था, उनको पता नहीं था, इसीलिए आज वीडियो बनाया है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे एक प्लास्टिक मटेरियल से उनका कैप बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से मसूड़े बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैं पहले आपको ये कंडीशन दिखाती हूँ और फिर आगे समझाती हूँ कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। आंटी, आप यहाँ पे देखिए, जहां पे उनका वो कैप बिठाया था वहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं ये पूरा हिला रही हूँ प्लास्टिक। ये देखिए, ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। ये देखिए, वो पूरा उनके कैप, पूरा जो कैप था वो इसी मटेरियल से बिठाया है, जो हमारे मुंह में रखने का मटेरियल नहीं होता है और उसकी वजह से हमारे मसूड़े बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। अभी हमने ये, जब ये पेशेंट का कैप रिमूव हो गया और वो हमारे पास आए हैं, तब हमने ये देखा है और तब हमने भी पेशेंट को बताया है कि ये किस तरह से किया गया था और इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं आपको आज के वीडियो में ये प्लास्टिक पूरा निकाल के भी दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको आइडिया आएगा कि ये किस प्रकार से किया गया था। ये जो उनका ब्रिज है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा मटेरियल यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, ये सारा ही एक्रिलिक मटेरियल है। इस तरह से कभी भी कैप नहीं बिठाया जाता है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो इस तरह से कैप नहीं बिठाएंगे, इसलिए किसी भी अनसर्टिफाइड लोगों से काम नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, जो ये प्लास्टिक मटेरियल है जो उनके दांतों में और उनके गम्स के ऊपर चिपका हुआ है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा था। हमने उसको एरोटर की मदद से पार्ट में टुकड़े कर करके उसको उसकी जगह से निकाला है, क्योंकि वो उनके गम्स पे इस तरह से फिट हुआ था कि उनके गम्स को भी उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। वो आप इसी वीडियो में आगे ज़रूर देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरोटर की मदद से मैंने उसमें कुछ डीच कर रही हूँ धीरे से, ताकि उनके जिंजाइबा को ज़्यादा डैमेज ना करके हम उसे निकाल सकें। ये देखिए, आप लिटरली दिखने में भी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल प्लास्टिक मटेरियल है। इसलिए हमारे दांत, हमारे गम्स या हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसे उसके स्पेशलिस्ट को ही दिखाना ज़रूरी है। यानी कि अगर दांत की प्रॉब्लम है तो सिर्फ डेंटिस्ट के पास ही जाइए। ये देखिए, यहाँ पे उनके दांतों की और उनके गम्स की हालत कैसी हो गई है। हमें किसी और के पास किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। लिटरली ये उनके दांतों को पूरा डैमेज कर दिया था उन्होंने, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और ये तीन प्लास्टिक के टुकड़े करके मैंने जो भी मटेरियल था उसे उसको वहाँ से निकाला है। जहाँ पे ये मटेरियल था वहाँ पे उनके गम्स की हालत आप देख सकते हैं, ये ब्लीडिंग नहीं है, ये उनके गम्स पे वो मटेरियल रहने की वजह से इस तरह से उनके गम्स पूरे नीचे चले गए हैं। आप देखिए मेरे हाथ में कितने टुकड़े हैं, ये सारा ही प्लास्टिक था जिससे ये कैप बिठाया गया था। देखिए अंकि, ये था प्लास्टिक, ठीक है। आप टच करके देख सकते हैं कि कैसा मटेरियल लग रहा है आपको, है ना। क्योंकि अब पेशेंट को इस साइड पे खाने की भी जरूरत है, देखिए आप, क्योंकि उनके यहाँ पे पीछे एक भी दांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक भी दांत नहीं है उनका। इस साइड पे हम ऑलरेडी ब्रिज दे चुके हैं, बट खाना दोनों साइड से खाना जरूरी है, करेक्ट। और पेशेंट यहाँ पे इम्प्लांट एफोर्ड नहीं कर सकते है, इसकी वजह से हमने उनका ये वाला जो टीथ है उसका सपोर्ट बढ़ा के, और आगे के दो दांत है उनका भी सपोर्ट लेके यहाँ पे उनको एक कैंटिलीवर देने का ट्रीटमेंट प्लान किया है एज पर पेशेंट्स विश। कभी कभी हमें पेशेंट की जरूरियात और उनकी विश के हिसाब से ही ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम ये वाला दांत, ये और ये जो तीनों दांत है उसके सपोर्ट पे यहाँ पे पीछे एक कैंटिलीवर ब्रिज पेशेंट को देने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।